सो गाइस, अगर आप भी 2022 में फ्लिपकार्ट ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1.5 मिनट का वीडियो है, आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। जो ओल्ड वाला मेथड था वो चेंज हो चुका है, 2022 का न्यू मेथड है। तो चलिए हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है, अकाउंट वाले सेक्शन पर चलना है, ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, अपना जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करना है, कैंसिल वाले ऑप्शन पर टैप करना है। कैंसिल ऑर्डर पर टैप करके यहाँ आपको कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जैसा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं नो मनी लिख देना। उसके बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, अगर गलत बोल रहा हूँ माफ कर देना। उसके बाद आपको सिंपल सा रिक्वेस्ट पर टैप करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह का कुछ आ जाएगा आपके सामने। उसके तब तक बैक आना है, बैक आने के बाद अगर आप दोबारा जाकर चेक करेंगे आपके प्रोडक्ट में तो आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुका होगा। तो आप इस तरह फ्लिपकार्ट ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस ट्रिक के बारे में पहले से पता था या नहीं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं।